शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं घर बेच दूंगा। घर? अरे लेकिन ये लोग थोड़ी ना मानेंगे। अरे मानेंगे कैसे नहीं, अरे मानना ही पड़ेगा। और ज्यादा दानों को की ना तो मैं अपना हिस्सा तो मांग सकता हूँ ना। हाँ फिर क्या, फिर तो उन्हें घर बेचना ही पड़ेगा। नहीं भैया, हम आपको ये घर नहीं बेचने देंगे। लो। आपकी परेशानी की वजह हमें, तो आपकी मुश्किल भी हम ही दूर करेंगे। आप हमारी ज्वेलरी रख लीजिए, इसको बेचकर आप अपना लोन चुका लीजिए। लीजिए भैया। हो सकता है इससे आपका कुछ बोझ हल्का हो। प्लीज कभी घर बेचने की बात मत कीजिए। घर से बेघर होने का दर्द हम अच्छी तरह से जानते हैं। एक बार तो हमारा घर बिक चुका है, दूसरी बार नहीं बिकने देंगे भैया। सीखिए कितनी चालाक है। ऐसे जता रही थी जैसे कोई एहसान करके जा रही है। अरे काहे का एहसान, खुद का गिल्ट दूर कर रही थी वो, खुद को दोषी समझ रही थी ना वो। हाँ वो ना। लेकिन जो भी हो, सीखने चिल्लाने का कुछ फायदा तो हुआ है? अंदर से माल तो निकला। शराफत से पेश आ रहा था तो उसे बहरे बन के बैठे हुए थे, शोर मचाया तो बोझ हल्का होने के आसार तो बने। सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से आकाशों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। कौन है? अपनी डिम्पी लग रही है। डिम्पी। हमारी चौल वाले भी ना, कोई आए तो उसे ऐसे देखते हैं। वैसे ना 15 साल पहले भी इस चौल में ऐसी ही खुसुर फुसुर हुई थी जब यहाँ एक हीरोइन आई थी। कौन? अरे ये। हाँ मैं, और आज एक हीरो आया है। लेकिन ये है कौन? मेरा भतीजा है, देख ले अभी तक शादी नहीं हुई। अरे देखने में तो हीरो जैसा है ही, और काम भी बहुत अच्छा सेट है, कंप्यूटर इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर। मैं तो कहती हूँ कोकिला इसे 2-4 बार घर बुला, इसे ढोकला खिला और चैताली के लिए सेट कर ले। लेकिन तेरा भतीजा है ना, तो हमारी बिरादरी का कहाँ से हुआ? लो फिर से जाग बिरादरी। अरे तेरे को घर बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा था, अरे शुरू समझा ना तू इसे। नहीं लेकिन सुरेखा, लोगों को 2 बातें कहने का मौका मिल जाएगा ना। लोग क्या कहेंगे कि अपनी बेटी के लिए ढंग का कोई बिरादरी में लड़का नहीं मिला तो
दूसरी बिरादरी में। ठीक है ठीक है ठीक है, तेरी मर्जी। मेरा भतीजा हैंडसम है, जवान है, कमाऊ है और कवारा है। चौल की सारी लड़कियों की नजर तो उस पे पड़ने वाली है ही। या तो मुझे जाने दीजिए। I'm sorry, please. Better late than never, sweetie. चलो अपनी आंखें बंद करो। लेकिन क्यों? Come on, do as I say, अपनी आंखें बंद करो। Okay. अब अपनी आंखें खोलो। Nice ना? Very nice. Thank you so much, sweetie. अब ये gift मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि जब भी मैं तुम्हें call करना चाहूँ तुम्हें कॉल कर सकूं, तुमसे बात कर सकूं। अब मैं तुम्हारे घर के जब भी पास पहुंचूंगा, I'll give you a call. Immediately, अपने घर से बाहर आ जाना and meet me down. क्योंकि यार ये सोसाइटी के बाहर वेट करना है, come on, I don't like it. लेकिन विकी, तुम प्लीज वहां पर मेरा वापस वेट मत करना। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता है उस दिन भाभी ने तुम्हें देख लिया था और मैंने कैसे भी करके बात को टाल दिया। थैंक्स रितु, हम अकेले तो राज के लिए सिलेक्ट ही नहीं कर पाते। भाई तो इतनी रोमांटिक बातें कर रही थी, अपने और राज के फर्स्ट मंथ वेडिंग एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट लेना चाहती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना तुझसे कोई रोमांटिक गिफ्ट ले लिया जाए। आफ्टर ऑल जो मेरी और विक्रम की शादी होगी तो मैं भी तो। वैसे विक्रम है कैसा? टू गुड। अच्छा तेरी बात कराऊँ उससे? नहीं कभी और। फिर कभी क्यों, अभी क्यों नहीं? बात कर लेना, उसे भी अच्छा लगेगा। अच्छा, दिल खुद का करा और बहाना हमारा। हाँ तो ऑफिस से फोन है, आई जस्ट अटेंड इट। हेलो विक्रम। हाय। हाय, क्या कर रहे हो? मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ। ओह नो, वो क्या है ना, मैं रानी के साथ थी तो मैंने सोचा हमारी जो उसकी ट्रेन पेंडिंग है वो हो जाती, तो क्या वक्त निकाल सकोगे? आई वुड लव टू, क्या करूँ, आई एम वेरी बिजी यार, आई एम रियली सॉरी। ओके बाय। क्यों, बना दिया ना? अरे मैंने तुम दोनों को पहले से वहां से आते हुए देख लिया था। मजाक कर रहा था मैं यार, मजाक कर रहा हूँ। वैसे अगर तुम्हारा मजाक अब खत्म हो गया है तो चले, और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें मुझे और रानी को एक फर्स्ट क्लास ट्रीट देनी होगी, समझे तुम? मैं क्या कह रहा हूँ,
कि क्यों ना थोड़ी पेट पूजा से पहले थोड़ी शॉपिंग कर ले। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक चीज़ सिलेक्ट करके रखी है, इसलिए तो मैं यहाँ मॉल आया हूँ। मैं तुम मैं इस मॉल में क्या करूँगा? पर विक्रम, रानी। ऑफ कोर्स यार, नाउ हु बेटर देन योर बेस्ट फ्रेंड टू सिलेक्ट अ गुड ड्रेस फॉर यू। वी विल टेक हर अलोंग ऑल्सो ना, क्यों रानी? चलोगे? वहाँ पे यार राज, बस कर, बहुत हो चुका है यार। कब से सोच रहा है? एक्सेप्ट इट, ये रोमांटिक आइडियाज तेरे दिमाग में नहीं आएंगे। ओ शट अप यार, कुछ तो सोचने दे। सोचो सोचो, जो आइडियाज मैंने दिए थे वो तो सारे के सारे तूने रिजेक्ट कर दिए। तो क्या करूँ, आप क्या जाने कि रोमांस क्या होता है? ठीक है, तो आप सोचिए, मैं चलता हूँ। एक सेकेंड रुक, एक आइडिया है। गुड, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन उसे एग्जीक्यूट करने के लिए तुझे रुकना होगा, मॉडल सपोर्ट के लिए यार। ठीक है रुक जाऊंगा, कर अपना आइडिया एग्जीक्यूट। हेलो माँ, राज बोल रहा हूँ, क्या रानी से बात कर सकता हूँ? वो घर पर नहीं है। और हाँ, तू जरा अपने काम में ध्यान दे, तुझे ऑफिस में कोई काम धंधा नहीं है? जब देखो तो ऑफिस पहुँचते फोन करने लगता है, ध्यान से काम किया कर, समझा? क्या हुआ? एक सेकंड यार, थोड़ी सांस लेने दे। माँ ने फोन उठाया था, वो कह रही है कि रानी घर पर नहीं है। तो अब क्या? सा 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 रे गनी सा रे, सा 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 रे गनी सा रे, पम पम गम प प, पम पम गम प प, पम पम गम प मगर सा, सा 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 रे गनी सा रे, सा 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 रे गनी सा रे, पम पम गम प प, पम पम गम प प, पम पम गम प मगर सा। क्या हुआ? दोस्ती निभाएगा ना? ये भगवान, एक तो ये मरा फोन बजता ही रहता है। हेलो, नमस्ते आंटी, शेखर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो शेखर। आंटी, राज घर पे है? नहीं बेटा, वो तो अभी तक ऑफिस से वापस नहीं आया। अच्छा, उसने तो कहा था कि वो घर जा रहा है। तो काम कीजिए आंटी, रानी से बात करवा दीजिए, शायद उसे मालूम हो कि राज कहाँ गया है। अरे उसे कैसे पता होगा? मुझे लगा कि कोई मैसेज वैसेज दिया होगा राज ने। अरे नहीं भाई, रानी घर पर ही नहीं है, और दूसरी बात ये कि सुबह से मैं ही फोन उठा रही हूँ, कोई मैसेज नहीं था रानी के लिए भी। Thank you.
काम नहीं करने देते, जब देखो तो फोन ही बजता रहता है। हाँ कौन है? हेलो, जी मैं रानी से बात कर सकती हूँ? जी आप कौन बोल रही हैं? मैं राज। जी मैं रानी की फ्रेंड रजनी। एक मिनट, रानी, ओ रानी जी, जी आपके लिए कोई फोन है जी, कोई रजनी का फोन है जी। हेलो। हाय रानी, कैसी चल रही है तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी? आप कौन बोल रही हैं? मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रजनी। हमारी बेस्ट फ्रेंड रजनी? हाँ। I'm sorry, हमने आपको पहचाना नहीं। मम्मी जी। रानी, राज बोल रहा हूँ। रजनी, तुम्हारी आवाज़ इतनी अलग लग रही है कि हमने पहचाना ही नहीं। जान पहचान तो मैं तुमसे कर लूँगा। अच्छा एक बात सुनो, आज रात का हमारा खाना मत बनाना। क्यों? क्योंकि आज हम दोनों बाहर जाकर सेलिब्रेट करने वाले हैं। क्या? हमारी फर्स्ट मंथ की वेडिंग एनिवर्सरी। कहाँ? जहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ, सिर्फ तुम और मैं। पर अब माँ के सामने ये मत पूछना कि ऐसी जगह कहाँ है। जगह है हमारा छोटा सा प्यारा सा बेडरूम। ठीक है, हम फोन रखते हैं। बाय बाय रजनी। बड़ी जल्दी रख दिया फोन, थोड़ी और बात कर लेती। तुम्हें काम कर, हाथ मुंह धो के आ, जल्दी से खाना खा लेंगे साथ में। खाना? 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 जी नहीं, मुझे खाना नहीं खाना। क्यों? तबीयत खराब है क्या? नहीं, वो एक्चुअली ऑफिस में कुछ ज्यादा ही खा लिया था और ऑफिस का कुछ काम भी पूरा करना है, मैं ऊपर चलता हूँ। बेटा अगर पेट ज्यादा खराब है तो होम्योपैथी की नेक्स्ट भूमिका ले लेना। जी हाँ, मैं चलता हूँ ऊपर। पापा, हम आपके लिए खाना लेके आते हैं। खुल गई सबका थे मन की, आई है रात मिलन की, बासंती फूल खिले हैं बाहों।